अस्सलामु अलैकुम। हम 9 क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर 6 को डिस्कस कर रहे थे, सॉल्यूशंस, जिसके अंदर हमने 6.1 को कवर कर लिया था। आज हम इसका सेकंड टॉपिक यानी 6.2 को स्टार्ट करेंगे। नाउ इसके अंदर कुछ आपके डेफिनेशंस हैं, कुछ सॉल्यूशंस थी, ठीक है। उसके अंदर हमने ये पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर के सॉल्यूशन किस तरीके से फॉर्म किया जाता है जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपस में होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, सिंगल फेस को फॉर्म करते हैं, उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है? जो कि हमारे पास स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है? जो कि हमारे पास ग्रेटर क्वांटिटी में लार्जर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमने शुगर ली थी और उसको हमने वाटर में सिंपली डिजॉल्व किया था और हमने उसको कंसिडर किया था सॉल्यूशंस, ठीक है। आज हम उसी की कुछ और टाइप्स पढ़ेंगे इन सॉल्यूशंस की, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, के सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। बेसिकली सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के अंदर हमारे पास जो सॉल्यूट होता है वो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल, जब हम शुगर सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं तो हम उसमें बिल्कुल स्मॉलर क्वांटिटी में 1 या 2 टेबल स्पून शुगर पुट करेंगे और उसको डिसॉल्व कर देंगे वाटर के अंदर। ये आपका सिंपल सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम इस सॉल्वेंट के अंदर, इस वाटर के अंदर मुस्तकिल ही शुगर को, कंटिन्यूस शुगर ऐड करते रहेंगे तो क्या होगा? एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी पावर जो है वाटर की, वो क्या होगी? लिमिटेड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ऐसा वक्त आएगा कि वो उसको मज़ीद शुगर को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए कि उसके अंदर सॉल्यूट की, शुगर की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कंसिडर करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है। यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन है, आ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिजॉल्व मोर सॉल्यूट इन इट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। क्या हो रहा है कि हमने एक सॉल्वेंट वाटर के अंदर इतने ज़्यादा मिकदार हमने सॉल्यूट की पुट कर दी है कि अब उसके अंदर मज़ीद सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। और किस टेम्परेचर पे हो रहा है? ये रूम टेम्परेचर पे ये काम हो रहा है, पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कंसिडर करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ये बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे आप किसी भी फॉर एग्जांपल जूस को फॉर्म करते हैं, रूअफज़े का शरबत बनाते हैं, उसके अंदर आप स्मॉलर क्वांटिटी डालते हैं शुगर की और आपका एक जूस जो है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। यानी इसमें जो सॉल्यूट की अमाउंट प्रेजेंट है वो स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, कि जो सॉल्वेंट है उसके अंदर इतनी एबिलिटी, इतनी कैपेसिटी है कि उस सॉल्यूट को वो अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। यानी सिंपल सॉल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है ये भी, रूम टेम्परेचर पे हम अपनी स्मॉल क्वांटिटी शुगर या सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं और देन फिर क्या बन जाता है? शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर आपको दी हुई है, सॉल्यूशन विच कंटेन्स लेजर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन इज रिक्वायर्ड टू सेचूरेट इट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एंड सेचूरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, आपके ये समझ में आ गया कि सेचूरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जो सिंपल सॉल्यूशंस होते हैं। अगर यही सॉल्यूशंस के अंदर हम अपने सॉल्यूट की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, ज़ायद अमाउंट में डाल देंगे और सॉल्वेंट जो है वो इसको डिसॉल्व नहीं कर सकेगा तो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब यही सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है, जिनके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा लार्जर है, जो कि रूम टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस को जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा? इसकी जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा और एक आपके पास सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे नहीं हो रहा ये काम, क्या कर रहे हैं हम? हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हीट क्या करती है? आपके रिएक्शन रेट को इंक्रीज करती है।
तो इससे क्या होगा, आपका जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व हो जाएगा आपके सॉल्वेंट के अंदर, और इस सॉल्यूशन को हम क्या कंसिडर करते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सो हियर इज इट्स डेफिनेशन, अ सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट देन इट कंटेन इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन आफ्टर हीटिंग इज कॉल्ड अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ठीक है आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई कि इनमें क्या डिफरेंस है। अब इनके कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए आपको 6.1 का टेबल दिया गया है, जिसमें आपको वाज़े तौर पर इन तीनों सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस है वो आपको इसके अंदर बताया है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम आपका सैचुरेटेड का कॉलम है, ठीक है, देन अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट होती है सॉल्यूट की, ठीक है, और सॉल्वेंट के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो उस सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटी में हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट होता है और ईजीली सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, जबकि सुपर सैचुरेटेड में हमारे पास क्या होता है कि यही सॉल्यूट बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, सॉल्यूट हमारा सॉल्वेंट के अंदर। बट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंस क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, ये डिफरेंस है कि उसके अंदर हम जब ज़ायद क्वांटिटी सॉल्यूट की ऐड करते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पर डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है, बट चूंकि हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं इसलिए इसके अंदर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा अमाउंट डाल सकते हैं सॉल्यूट की और उसको इजीली हम डिसॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हीटिंग। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द सॉल्यूशन हैज़ हाई कंसंट्रेशन देन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब चूंकि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर ज़ायद क्वांटिटी डाल रहे हैं सॉल्यूट की तो क्या होगा कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार जो है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा प्रेजेंट है, जबकि जो हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमारी जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है वो लोअर है, स्मॉलर है, इसलिए हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, लो कंसंट्रेशन यानी लो कंसंट्रेटेड कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब इसके मुकाबले में, इन दोनों सॉल्यूशन के मुकाबले में सबसे ज़्यादा जो हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है वो हमारा सुपर सैचुरेटेड का सॉल्यूशन, इसलिए कि उसके अंदर हमारी मैक्सिमम सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक, नाउ द थर्ड पॉइंट इज, अच्छा थर्ड पॉइंट के अंदर क्या है कि देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, यानी कंटेनर के एंड में बॉटम में कोई भी आपको प्रिसिपिटेट्स नहीं मिलते दोनों सॉल्यूशंस के अंदर, चाहे वो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो। ठीक है, लेकिन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के अंदर क्या होगा, चूँकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट की प्रेजेंट होती है, इसलिए इसके अंदर जब हम हीटिंग कर लेते हैं तो आपको हीटिंग के बाद कुछ दाने दाने से नज़र आते हैं, कुछ पीपीटी सी नज़र आती है। ठीक है, उसको हम कंसिडर करते हैं प्रिसिपिटेट्स। ठीक है, क्या कंसिडर करते हैं, प्रिसिपिटेट्स, और उसको हम शॉर्ट में पीपीटी भी कहते हैं। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट इज अ सॉल्यूशन हैविंग 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 20 सेंटीग्रेड इज द एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। क्या किया है हमने, 100 ml वाटर लिया है जिसके अंदर हम 36 ग्राम क्या डाल रहे हैं, सॉल्ट डाल रहे हैं, जो आपका टेबल सॉल्ट होता है, और उसको हम रूम टेम्परेचर पे डिसॉल्व किया है। अगर आप 36 ग्राम को कंसिडर करें तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है 100 ml में। ठीक है, इसके बाद आपके पास आती है अनसैचुरेटेड की एग्जांपल, अ सॉल्यूशन हैविंग अमाउंट ऑफ सॉल्ट लेस देन 36 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 20 सेंटीग्रेड इज द एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या हो रहा है कि इसके अंदर हम लेजर क्वांटिटी ले रहे हैं, 36 ग्राम के बजाय कुछ कम क्वांटिटी ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, 25 ले रहे हैं, और उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं 100 ml वाटर में। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब कह लें या ml कह लें एक ही बात है। ठीक है, यानी मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर कह लें या 100 ml कह लें एक ही बात है। एंड अ सॉल्यूशन हैविंग मोर अमाउंट देन 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 100 ml ऑफ वाटर एट हाई टेम्परेचर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या किया है हमने कि 100 ml वाटर के अंदर हमने 36
ग्राम से ज़्यादा ली है, 40 ली है, 45 ली है, या 50 ग्राम सॉल्ट को हमने लेकर 100 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है और हमने इसको हाई टेम्परेचर अप्लाई किया है। हाई टेम्परेचर किस तरीके से अप्लाई किया है, हमने इसको हीटिंग पे रखा है, ठीक है, हीटिंग प्रोवाइड की है, जब भी तो ये इसके अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है, सुपर सैचुरेटेड बन रहा है। तो ये एग्जांपल है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, ठीक है। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको इजीली अपने घर पे इसको ट्राई कर सकते हैं। एक 100 ml सबके पास मेजरिंग कप्स होते हैं, उसके अंदर आप सॉल्ट जो है वो मेजरिंग करके डाल लें, एक में आप थोड़ा सॉल्ट लेके डाल के उसको डिजोल्व करके देख लें, जो उसके अंदर 100 ml में डिजोल्व हो जाए वो आपका अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। फिर आप उससे ज़्यादा क्वांटिटी में लें, ठीक है, इतनी क्वांटिटी में लें कि वो उसको डिजॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। उसके बाद आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर आपने जितनी क्वांटिटी डाली है, अब इसके अंदर मज़ीद और क्वांटिटी डाल के इसको क्या करें, आप हीटिंग करें, ठीक है। अब इसके अंदर ये सारी जो सॉल्ट की क्वांटिटी है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। उम्मीद करती हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।